जैसे गौना है वो एक ट्रेडिशनल प्रथा है जो कि आज भी बहुत जगह पे प्रैक्टिस की जाती है। तो वो प्रथा ऐसी है क्योंकि जहाँ पर बचपन में शादी कर दी जाती है लेकिन एक सर्टन एज के बाद में लड़की की विदाई होती है बेसिकली, तो उसके बारे में शो है जहाँ पर गौरव और गैना का बचपन में शादी हो जाती है और उसके बाद जब गौना का टाइम आता है वो वहाँ से हमारी शो की स्टोरी स्टार्ट होती है। सो वही सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैम आपको लेकिन ज़्यादा फोकस है इस शो में, तो क्या होने वाला है? आपने ऑलरेडी शूट कर लिया है, इस तरह का कैरेक्टर थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, गैना एक किशनगंज की एक छोटे से गांव की लड़की है जहां उसके ख्वाब इतने बड़े नहीं है, पर उसका जो दायरा और जो उसके इर्द गिर्द बचपन से उसने देखा है उसको वही चाहिए और वही उसका सपना है। उसने जिसे शादी की थी बचपन में, उसका बेस्ट फ्रेंड भी गौरव था और शादी भी उसी से घर वालों ने करवा दी, तो अब उसको बस यही है कि जो भी 4-5 साल का टाइम पीरियड है वो रुकी हुई है कि भाई जल्दी से गौरव आएगा, मेरा गौना करवाएगा, मुझे ले जाएगा अपने साथ और मैं एक नई दुनिया देखूंगी उसके साथ, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी, क्योंकि उसके लिए उसकी ज़िंदगी, उसकी पहचान, सब कुछ गौरव है। तो उसकी ज़िंदगी ना गौरव पे ही शुरू और गौरव पे ही ख़त्म होती है। इसके अलावा गैना के बारे में अगर ख्वाब को लेकर पूछे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, पर बड़ी सी सुलझी हुई और एकदम सेल्फलेस गर्ल है वो। और जैसा आपने पूछा था अभी कि गौना ये बड़ा यूनिक नेम है हमारे शो का, तो हमारे शो में जैसे मेरा नाम गहना है, इनका गौरव है, तो हम दोनों का नाम जोड़ के गौना बना है, तो उस तरह से है। जैसे आप देख सकते हैं ये गौना हमारा जो शो में है ये है, तो गौरव का गौ और गहना का ना, दैट्स हाउ द शो नेम इज गौना। मैम कहीं ना कहीं आप काफ़ी परेशान करने वाली है। नहीं, आपने अज्यूम कर लिया है ना कि मैं परेशान करने वाली हूँ? क्यों, मेरा मेकअप ऐसा है? नहीं, मेकअप नहीं, मैंने अच्छा हाँ नहीं, मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, मेरा भी एक अच्छा किरदार है अलग, मैं परेशानी नहीं लाऊंगी इनकी जिंदगी में, अगर मेरी वजह से आ गई तो बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। सॉरी, गौरव और गैना के बीच में उर्वशी है, तो जैसे आपने देखा अभी इन्होंने बताया कि गौना, गौरव और गहना, तो GANA के बीच में यू है उर्वशी। तो ये हम दोनों के बीच में, और सोचिए ना दोनों के बीच में मैं क्या कर रही हूँ। और जैसे हम दो दो फीमेल किरदार के साथ एक मेल है, तो सबको ऐसे ही लगता है कि लव ट्रायंगल है, लव ट्रायंगल है, बट ये शायद हमारा इंडियन टेलीविजन का एक माइंडसेट है कि यही है, बट ये मैं मिसकंसेप्शन आप सबसे क्लियर करना चाहती हूँ कि इस शो में हम तीनों का ऐसा कोई लव ट्रायंगल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इन केस आगे जाके होगा तो वी नेवर नो, मे बी दैट इज़ अ सिचुएशनल थिंग, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, ये इससे करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हम बिल्कुल करते हैं, लेकिन मेरा प्यार है सिर्फ गौरव, गौरव का प्यार है उनकी महत्वाकांक्षाएं एंड उनकी कहीं और वजह से, उन्होंने कहा पटना को पेरिस बना देना और खुद को एक ऊंचाइयों पे ले जाना, तो हर किसी की, तीनों की लाइफ में एक एक एम्बिशंस है, वहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, तो ये ऐसा कोई घिसा पिटा वो चीज़ें नहीं है यार, लव ट्रायंगल, लव ट्रायंगल। हाँ यार, लव है लेकिन ट्रायंगल नहीं। हाँ, लव है बिल्कुल, ट्रायंगल नहीं। पटना को पेरिस बनाएंगे, तो इस तरह से आप बनाने वाली पटना को पेरिस क्या करने वाली? अरे ये भेदभाव का चश्मा लगाकर देखती हैं, तो भेदभाव का चश्मा लगाकर देखेंगे तो पटना कब पेरिस ना बनेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं बनाऊंगी, मैं बनाना चाहती हूँ। मैं आप पूछ रहे हैं कि कैसे बनाऊंगी? देखिए, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ शो में, और एक फैशनिस्टा बनना चाहती हूँ, एक लेवल पे पहुँचूंगी तो मेरे कपड़े बनेंगे, मेरे मॉडल्स होंगे, मेरे रैम शोज़ होंगे, सुपर मॉडल्स बनेंगे, वैसे ही तो बनना है, पटना बनेगा पेरिस है ना, उसके लिए पहले ये लोग टाइम पे तो आ जाए मॉडल, ये मॉडल बनना चाहते हैं, तो इनको, इन्हीं की वजह से तो मैं ट्राई करूंगी बनाने के लिए ना। अच्छा, क्योंकि शो का नाम गौना है, क्या आप लोगों ने शो करने से पहले क्या इस रिचुअल के बारे में जानने की कोशिश की, या फिर आपको पता था, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहिए, और एज एन एक्टर क्या प्रिपरेशन की अपने किरदार के लिए?
जी बिल्कुल, जैसे जब हमें पता चला था, हम इसके लिए ऑडिशन कर रहे थे, जब हमें लॉक किया गया तब तक शो का नाम डिसाइड नहीं हुआ था। हमें बाद में पता चला कि नाम गौना रखा गया है और फिर हमारे किरदारों के नाम भी ऐसे ऐसे फिर हमें बताया गया था। तो ऑफकोर्स जब हमें बताया गया कि शो का नाम गौना है एंड देन इट्स एक प्रथा, तो हमें बैठकर पूरा ब्रीफिंग दिया गया था और बिल्कुल इस किरदार के लिए हमने मेहनत बिल्कुल बहुत की है, क्योंकि ये इसका जो बेस है वो नॉर्थ इंडिया का, बिहार का बताया गया है। अब मैं हूँ मुंबई की पली बड़ी लड़की जो वहाँ की एक्सेंट बोल रही है, अब सीखा है हमने हमारे दोस्तों से। तो हाँ, काफ़ी आप देखेंगे हमने वेट लॉस भी किया है और टोनेशन और लैंग्वेज और डायलेक्ट भी काफ़ी मेहनत की है। आप बताइए। सी, जब स्टोरी जब नरेट हुई थी तो ऑब्वियसली ये तो नहीं पता था कि शो का नाम गौना होगा, लेकिन ये ज़रूर पता था कि शो का जो बेस है वो यहाँ से शुरू होता है शो। तो ये प्रथा और ये जो सिस्टम है वो सबसे पहले हमको पता ज़रूर था। और गौना ऐसी चीज़ है जो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी शो में या अपने से बड़ों से कभी ना कभी ज़रूर सुना ही है। जहाँ पर इसको गौना नहीं बोलते वहाँ पर कुछ और चीज़ बोलते हैं, और पुराने ज़माने में तो ये बहुत अक्सर ऐसा होता था, ये हमारी ट्रेडिशन रही है। तो ऑब्वियसली इसके बारे में मालूम था, लेकिन गौना के बाद भी ये शो की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अभी तो देखकर हमको लग रहा है कि सिर्फ गौना के ही इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन वो गौना का दिन से ये शो शुरू होता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें हम आपको पूरे टाइम सिर्फ गौना के बारे में बताएंगे या सिर्फ गौना ही ये शो की स्टोरी है। शो की स्टोरी गौना से शुरू होती है और उसके बाद फिर उसकी एक अपनी जर्नी है, तो जहाँ पर ये स्टोरी जाती है। मतलब आप मेरे बारे में पूछ रहे कि गहना क्या कैसे है। जैसे हम जब सब ओपन क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे तभी मैंने यही कहा था कि गहना ये प्रथा पुरानी है, गौना रिवाज पुराना है, पर हम तो आज के दौर में ही चल रहे हैं, आज के ज़माने में चल रहे हैं। बिल्कुल ये लड़की है ओल्ड स्कूल लवर, ओल्ड स्कूल सिस्टम और ट्रेडिशंस फॉलो करती है, लेकिन आज के ज़माने में वो उस चीज़ों को मोल्ड करके चलने वाली लड़की है। तो यही इसकी कहानी है, यही इसकी जर्नी है। यार आपने मुझे हमारी रियल लाइफ में ऐसी पता नहीं, नो कमेंट्स। वो मुझे आपका सवाल एक्चुअली समझ नहीं है। आपका इंटेंशन में ये चलते आ रही है और एट द पर्टिकुलर एज, अभी जो एज होता है जैसे आपने बताया, उस एज में जो शादी हुई है वो फॉलो नहीं करते, वो आपके जैसे उनके लाइफ, मतलब आजकल के जो यंग जनरेशन है वो ये सब नहीं फॉलो करते हैं प्रथा। हुआ तो भूल जाओ, हाँ। और अभी उसको फॉलो करो। आजकल की जनरेशन मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है और काफ़ी लोग हैं जो आजकल देखिए बहुत सारी चीज़ों में नहीं बिलीव करते हैं। तो अगर आप ये बोल, यही आपका सवाल था कि ये कैसा लगता है उसका जो शादी हुई है उसका क्या होता है, जिनकी अच्छा जो जिनकी शादी हो चुकी है और आप जैसे लाइफ पे कि उनके आ अच्छा उनके आ जाते हैं तो उनको कितना उन पे क्या असर पड़ता हो। पर ये हमारी लाइफ में आई नहीं है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं है कि जैसे गहना है उसकी शादी हो गई है बचपन में, वो एक होप से एक उम्मीद से प्यार से वो वेट कर रही है किसी के लिए, मगर जब ऐसे पत्थर आ जाते हैं जिंदगी में तो वो बेसिकली शो उसी के ऊपर है ना कि वो कैसे उन पत्थरों के ऊपर से जा के, अब वो एक पत्थर है या मल्टीपल वो नहीं पता। और दूसरी बात ये शो ऐसा है नहीं कि ये दूसरी लड़की है या इस तरह का शो में कॉन्सेप्ट है नहीं, इनका अपना कैरेक्टर है। और जाकर गौरव जब इनसे मिलता है, इनकी जो अपनी कैरेक्टर की अलग जर्नी है, तो वो ऐसा नहीं है कि गौरव और गहना के बीच में आती है। अगर देखा जाए तो गौरव और गहना के बीच में गौरव की महत्वाकांक्षाएँ आती है, गौरव के सपने आते हैं जो ये पूरा कर सकती हैं। तो इसीलिए कि वो कैरेक्टर्स धीरे धीरे करके अनफोल्ड होंगे, तो इनकी तरफ से उर्वशी की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता कि तुम गहना के साथ नहीं रह सकते हो। एक बिज़नेस जो होता है, शो बिज़नेस, जिस बिज़नेस से ये बिलोंग करती हैं, उसकी अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं,
जो कि उर्वशी बहुत ही प्रोफेशनल है और उस वो डिमांड्स सब बीच में आती है, तो ऐसा नहीं है कि ये जानबूझकर ऐसा करती है या जानबूझ के गौरव और गहना को अलग नहीं करना चाहती। इनफैक्ट इनके सामने तो ये बात आ ही नहीं पाती है कि ये दोनों इनफैक्ट ये उनकी दोस्त है, वो उनको दोस्त मानते हैं और मुझे एक सीढ़ी बल्कि मैं अब छोटा सा इंटरव्यू बल्कि ये तो पास में लेकर आती है गौरव और गहना को, ये लोग ये तो जोड़ती है अगर मैं आपको बोलूँ तो। थैंक यू। अब क्या हम यमी बाइट्स ले रहे